गुलबर्गा शहर में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर हो रहे इसराइल के जुल्म के खिलाफ हिंदू मुस्लिम हर मजहब के लोगों ने मिलकर एहतजाज कर जालिम इसराइल के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। फ्री फलस्तीन के नारे लगाते हुए गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर एहतजाज हुआ, जिसके जरिए इसराइल को बायकॉट करने की गुजारिश की गई है। इसराइली यहूदियों की शैतानी फितरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुश्किल वक्त में रहने के लिए घर देने वाले फलस्तीनी मुसलमानों पर अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से आज ये फलस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर से हर मजहब के लोगों ने एहतजाज कर इस जंग को रोकने का मुतालिबा किया और इसराइली प्रोडक्ट जैसे पेप्सी, कोका कोला, KFC, मैकडोनल्ड और दीगर हर प्रोडक्ट को बायकॉट करने की गुजारिश की है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। कलबुर्गी के इस काजीबंदी नवाज और शान बसप की सर जमीन पर जो गाजा पट्टी के ऊपर और पैलेस्टाइन के ऊपर इसराइलियों ने हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक मोर्चा निकाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि खाली इसराइल और फिलिस्तीन का मामला नहीं है। अगर युद्ध वो जंग चालू होते, जंग बरकरार रखते, तो इसका असर हमारे जैसे देशों के ऊपर भी पड़ सकता है, पूरे दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। तो हमारा UNO ने जो विश्व संस्था है उसका एक उसूल है, कहीं भी युद्ध नहीं होना, जंग नहीं होना। जंग कहीं भी हो जाओ, लेकिन इसका असर पूरे धरती पर, कायनात पर, विश्व पर पड़ता है। इसलिए हम इस जो जंग चढ़ रहे हैं उसको हमने खंडन करते हैं। गाजा पट्टी के ऊपर, हाँ ठीक है, आप बोल रहे हमास उनके ऊपर हमला किया, इसके जवाब में इजरायली हमला कर रही है, ये बिल्कुल बेइंसाफी है, ये बिल्कुल कसूरवार लोग है वो, क्योंकि गाजा पट्टी के ऊपर घुसपैठी क्यों की है, गाजा पट्टी के ऊपर अपना हक जमाने की क्यों कोशिश करे। इन यहूदियों को हमने इस जरिए समझना चाहते हैं उन लोगों को कि आप ही एक ज़माने में हिटलर से पीड़ित है। हिटलर आपके ऊपर इतना बहुत बड़ा ये किया था, उसको आज तक तारीख है इतिहास में। आज आप लोग किसी मासूमों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, कॉमन सिविलों के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या ये लोग हमास है? जो बच्चे 100 से ऊपर बच्चे आज मर चुके हैं, उनके ऊपर आपने हमला किया, बम फेंक दिया है, क्या वो बच्चे टेररिस्ट है? क्या औरत टेररिस्ट है? क्या कॉमन सिविल टेररिस्ट है? तो आपका मकसद क्या है? मकसद ये है, और अमेरिका उसको पुश कर रहे, अमेरिका उसको प्रचोदन दे रहे, क्योंकि अमेरिका अपने जो युद्धखोर नीति है, अपने ये जो शस्त्रास्त्र है उसको बेचना चाहते हैं। अमेरिका सिर्फ अपना फायदे, सिर्फ ही सिर्फ लोगों के शव के ऊपर अपना राजनीति चलाते हैं। आज अमेरिका, इंग्लैंड जो इसराइलियों को साथ दे रहे, इसराइलियों को युद्ध के जो सामान भेज रहे, ये सरासर गलत है, ये सरासर नाइंसाफी है। गाजा पट्टी में जो हमला कर रहे उधर जाने के लिए ट्रक तक नहीं छोड़ रहे, पूरा रास्ता बंद कर दिया, दस्त दस्त कर दिया, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, लोगों के घर, रास्ता सब कुछ ध्वंस है। एक बूंद पीने के पानी नहीं मिल रहे उधर लोगों को, वहाँ तक राहत सामान पहुँचने के लिए भी नहीं दे रहे। ऐसा दरिंदगी, ऐसा वेश्यपन दुनिया में कहीं किसी ना किया हो। विश्व भारत पहले से ही हम पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया है, स्वतंत्र देश के रूप में महात्मा गांधी ने उसको स्वीकार किया था। हम पहले भी पैलेस्टाइन के अंदर जो घुसपैठी हो रहे है मत हो ना, वो एक स्वतंत्र देश है, उसको अपने आप में अच्छी तरह जिंदगी जिताने की हक है। इसलिए इसराइलियों की जो मंसूबा है, इसराइली लोग जो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हमला अभी से अभी बंद होना चाहिए।
प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन सभी लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पूरा भूमंडल में जो युद्ध का तनाव लाए हैं और पैलेस्टाइन के ऊपर जो हमला हो रही है, सिर्फ पैलेस्टाइन के ऊपर नहीं है, चिंता की बात यह है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को निगाह में रख के हमला कर रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने, इसका मतलब ये है कि पैलेस्टाइन लोगों का भविष्य निर्माण करने का योजना इसराइल बना है। और इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका और ब्रिटेन, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और कारण क्या बताए हैं? ये बहाने पे पैलेस्टाइन के ऊपर हमला कर रहे हैं कि हमास उनके ऊपर जो हमला करे है, हम इसका भी कड़ी विरोध करते हैं। हमास का जो हमला है वो हम कड़ी विरोध करते हैं। हमास और इसराइल का बीच का ये दंगा है, ये बहाने पे पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, कि गरीब लोगों के ऊपर कि हमला कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक की बात है और खंडनीय बात है। और दुनिया को ये मालूम है कि पैलेस्टाइन में 80% लोग गरीब है, गरीब है। इसराइल जब आए थे कि वहां उनको ठहरने के लिए जगह नहीं था, मगर उनको जगह दिया पैलेस्टाइन लोग। अब क्या हो गया हालत? पूरा जगह कब्जा करे इसराइल और पैलेस्टाइन लोगों के ऊपर, जो उनको सहाय कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला कर रहे। ये कैसी नाइंसाफी बात है, ये कैसी इनह्यूमन की बात है, ये बहुत चिंताजनक की बात है। और हम इसका तीव्र खंडन करने की बात ये है कि अमेरिका इसका सपोर्ट कर रहे है, जो बाइडेन है, क्योंकि उनका ये जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला है वो समर्थन करते हैं उन्हों, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। और जो विश्व संस्थे में तीर्मान हुआ है, निर्णय हुआ है, वो निर्णय जारी करना जरूरी है। दुनिया ये सब देखते देखते चुप नहीं बैठ सकते कि भारत ऐसा पहला देश है कि पैलेस्टाइन एक राष्ट्र है, एक प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र है, ऐसा हमने माने है कि ऐसा देश में आज अगर हमला होता है तो इसका खंडन करना सभी इंसान का जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए आज हमने युद्ध बंद करो और चाइन अमन लागू करो, ये बात कहने के लिए आज हमने हमारे मेमोरेंडम राष्ट्रपति को भेज रहे कि विश्व संस्थे को वो लेटर भेजना जरूरी है। बरगा में इसराइल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया है जिसमें ये कहा गया कि इसराइल गवर्नमेंट जो बमबारी कर रही है फलस्तीन के ऊपर उसके रोकें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रही है, हॉस्पिटल को तक नहीं छोड़ा इसराइल। इसके वास्ते हम ये डिमांड करते हैं, यूएन से डिमांड करते हैं कि इसराइल पर फौरी पाबंदी लगाए, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बमबारी कर रहा है, किस पर बमबारी कर रहा है, जिसने उनको रहने के लिए जगह दी है उन पर बमबारी कर रहा है इसराइल, उसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि यूएन से फौरी इसराइल के ऊपर एक्शन ले और ये बमबारी हो रही है उसको रोके, क्योंकि पूरे मुल्क भर में, पूरे दुनिया भर में है ना, इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग को रोकें। दूसरी बात, जो जहां पे कहीं भी इसराइल के जो एम्बेसीज हैं उसको ताला लगाया, क्योंकि जो देश अब तक फलस्तीन का सपोर्ट करते आया है आज फलस्तीन के खिलाफ है, आज इसराइल के साथ है। हम ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पे इसराइल की एम्बेसी को बंद ताला लगाए, क्योंकि उन्होंने जुल्म कर रहा है, बच्चों पे जुल्म कर रहा है, अस्पताल पे मरीजों पे जुल्म कर रहा है, खवातीन पे जुल्म कर रहा है इसराइल, उसके वास्ते जिस देश में वो रह रहे हैं उसी पे जुल्म कर रहा है। फलस्तीन 70 साल से बर्दाश्त करते आ रहा है, अब ये बर्दाश्त अरब ममालिक बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब बहुत जुल्म बढ़ चुका है। अब तीसरी बात ये है कि हिंदुस्तान हो या पूरे वर्ल्ड में, हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बायकॉट करें, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे स्प्राइट हो, कोको कोला हो या पेप्सी हो, सारे इसराइल के प्रोडक्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी हो। अगर इसराइल की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना है तो सारे प्रोडक्ट्स को बैन करें, सारे प्रोडक्ट जो यूज़ करना है उसको बंद करें, तभी उसकी इकनॉमी को धक्का पहुंचाया जा सकता है। ये भी एक इकनॉमी को धक्का पहुंचाने का ये भी एक युद्ध है, समझता हूँ फलस्तीन का साथ देने में है ये। अगर आप फलस्तीन की बका चाहते हैं, फलस्तीनियों का साथ चाहते हैं, आवाज़ उठाइए, इसराइल के प्रोडक्ट्स को रोकिए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। जो इसराइल में वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो अटैक्स
रोकना बहुत ज़रूरी है, वो अटैक्स को रोकना चाहिए। अगर ये अटैक्स नहीं रुकेंगे तो पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ के लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी है। लेकिन आज जो मासूम बच्चे ज़ख्मी होने के बाद भी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र है, उनके ज़बान पर अल्लाह का कलाम है, फिर भी डरे नहीं। वो माँ बहनों के लिए मैं सलूट करती हूँ, ऐसे माँ बहनें जो इतने परेशान हाल में रहकर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। वो फलस्तीन की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इस्लाम को मजबूती से पकड़ा गया था, और वहाँ पर जो बहुत सारे परेशानियाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके लिए मैं सलूट करती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी फलस्तीन की मदद करना चाहते हैं एज ए ह्यूमैनिटी, आइए उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए मदद कीजिए। इसराइल और यहूदियों को ये कहना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो घिनौनी हरकत फिलिस्तीनियों के मुसलमानों पर, औरतों पर, खासकर जो बच्चों को निशाना बनाए हो, ये इस घटिया नीति पर दुनिया भर के लोगों को जो अमन पसंद हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, उन सभी को इस इसराइल के खिलाफ विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इस इसराइल ने ना तो घर छोड़े हैं, ना तो स्कूल छोड़े हैं, ना तो मकान छोड़े हैं, ना तो हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गाजा पट्टी पे बमबारी नहीं हो रही है, कोई ऐसी जगह नहीं बच रही है जहां पे वो बमबारी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम इसराइल को ये कहना चाहते हैं कि तुम कितना भी कर लो, फिलिस्तीन की जो हिस्ट्री है, तुम जो मिटाना चाहते हो वो कभी नहीं मिटेगी। फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन रहेगा। तो इसराइल को सारी दुनिया को इसका विरोध करना, सख्त से सख्त विरोध करना और मासूमों पे बमबारी करना बंद करे। और जो लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी अक्ल आनी चाहिए कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, एटलीस्ट वो मासूम बच्चों के लिए तो अपनी आवाज़ रेस करें, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए तो अपनी आवाज़ रेस करें, जंग ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ रेस करके सड़कों पे उतरें। हम तो यहाँ जंग नहीं कर सकते ना, जंग तो वहाँ हो रही है, एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ तो रेस कर सकते हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। आइए सड़कों पे आइए, इसराइल को सारी दुनिया में जो बदनाम हो चुका है फिलिस्तीन के मुसलमान पर कंटिन्यू जो बमबारी कर रहा है, उसके लिए, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करिए। This video presented by Peace Islamic International School, Branch Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.